द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरोन नर्वस टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज न्यूरोन न्यूरोन के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो उसके मेनली मेन टू पार्ट्स होते हैं सेल बॉडी एंड साइटोप्लाजमिक प्रोसेसेस। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अन इसमें मेन पार्ट जहाँ पर न्यूक्लियस प्रजेंट है तो कौन से पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें इस पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये जो पार्ट है ये है सोमा जो मेन पार्ट है ये है सोमा या कह सकते हैं इसको साइटोन या फिर सेल बॉडी इसमें मेन जोमा है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसके अलावा जो अदर पार्ट्स बचे हैं वो क्या होते हैं इसके प्रोसेसेस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस यानी इसके साइटोप्लाज्म से प्रोसेस निकलते हैं फाइबर्स निकलते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं ये भी कितने टाइप के हो सकते हैं टू टाइप्स के हो सकते हैं डेंड्राइट्स एंड एग्जोन्स तो डेंड्राइट्स होते हैं लेंथ में कम ये हैं कम लेंथ के होते हैं और एक फाइबर निकलता है सिंगल मोस्टली सिंगल जो लेंथ में ज़्यादा होता है ज़्यादा इसकी लेंथ ज़्यादा होती है ये जो है ये तो हैं डेंड्राइट्स और ये जो मेन निकल रहा है फाइबर ये है एग्जोन तो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के भी टू पार्ट्स हो गए डेंड्राइट्स एंड एग्जोन अब अगर देखें सेल बॉडी में तो सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट है मेन तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये पूरी है सेल बॉडी इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लिय न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा और साइटोप्लाज्म में सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है गोल्जी बॉडी है दफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और न्यूरोफाइब्रिल्स ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं न्यूरोफाइब्रिल्स जो होते हैं वो सिर्फ न्यूरॉन्स में ही प्रेजेंट होते हैं मेनली न्यूरोफाइब्रस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेनली प्रोटीन के बने होते हैं तो ये सिर्फ न्यूरोन में ही प्रेजेंट होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकलम ये अदर सेल्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं अक्साइडोप्लाज्मिक में स्पेशल ग्रैन्यूल्स और होते हैं जो सिर्फ न्यूरॉन में ही प्रेजेंट होते हैं उन ग्रैन्यूल्स को कहते हैं नीजस बॉडीज ग्रैन्यूल्स होते हैं ये होते हैं नीजस बॉडी क्या काम करते हैं ये इनका फंक्शन होता है टू फॉर्म प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं इनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है नीजल बॉडी के अंदर और क्या करेंगे ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए रिक्वायर्ड होता है अब डेंड्राइस जो होते हैं ये होते हैं स्मॉल एंड थिन प्रोसेसेस और नंबर्स में मोर देन वन होंगे ये कितने भी हो सकते हैं फिर अब ये क्या करते हैं नर्व एम्पल्स को जनरेट करते हैं यहीं से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या इनकी न्यूरोन की स्पेशल फीचर होते हैं एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी यानी जनरेशन ऑफ नर्व एम्पल्स तो नर्व एम्पल्स का impulse का जनरेशन कहाँ होगा डेंड्राइट्स में होगा फिर इसका कंडक्शन कहाँ होगा फिर डेंड्राइड से एग्जॉन्द सोमा से होती हुई एग्जोन तक तो जनरेट कहाँ हुई नर्व एम्पर्स डेंड्राइट पे फिर डेंड्राइट से सोमा सोमा से एग्जन एग्जन जो है ये होता है सिंगल इसको क्या के कहते हैं नर्व फाइबर भी कह सकते हैं लॉन्ग होता है मीटर इसकी लेंथ मीटर्स तक हो सकती है कितनी मीटर्स का भी ये हो सकता है बहुत लेंथी होता है ये क्या काम करता है नर्व पिम्पल्स को सोमा से इसके जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ तक लेके जाता है एक्जोन का जो टर्मिनल पार्ट है उससे फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं इनको क्या कहते हैं टर्मिनल फाइबर्स ये हैं टर्मिनल फाइबर्स इनके एंड क्या होते हैं आप टर्मिनल फाइबर्स की एंड्स स्वॉलन होता है फूले हुए होते हैं इनको क्या कहेंगे फिर वेसिकल्स या सिनेप्टिक वेसिकल्स। इनके अंदर केमिकल्स फिल्ड होते हैं ये जो एंड्स हैं इनको तो क्या कह सकते हैं अपन सिनेप्टिक नोब्स कह सकते हैं अब इनके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं इनके अंदर भी ग्राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं उनको क्या कहेंगे फिर सिनेप्टिक वेसिकल्स और उन वैसिकल्स में फिर केमिकल फिल्ड रहते हैं उन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरो ठीक है नोब्स हैं नोब्स के अंदर वैसिकल्स हैं वैसिकल के अंदर केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स फिल्ड हैं एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इनकी एसिटाइकोलिन हो सकता है एडोनोलिन हो सकता है या अदर कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल हो सकता है क्या काम करते हैं ये एक्जोन को दूसरे एग्जोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो एक जो एग्जॉन है उसके जो टर्मिनल फाइबर्स हैं ये दूसरे एग्जॉन के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहते हैं तो कनेक्ट कम्युनिकेशन का काम कौन कर रहे हैं केमिकल्स कर रहे हैं अब इसके अंदर जो एग्ज़ॉन है एग्जॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल्ड है इसको क्या कहेंगे फिर एग्जोप्लाज्मा और इसकी जो मेम्रेन होगी जो सेल मेम्ब्रेन होगी एग्जॉन के चारों तरफ ये होगी फिर एग्जो अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो सकती हैं स्पेशल सेल्स होती हैं श्वान सेल्स वो एक्सौन को कवर करके रखती हैं। कंटिन्यूअस नहीं होती डिसकंटिन्यूस होते, है, होते है, बीच में गैप्स होते हैं इन गैप्स को तो क्या कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर और ये जो है ये है माइलिन शीत माइलिन शीत में क्या होगा अगर अपन इसकी टीएस करके देखें, ये सेंटर में एक्सॉन आ जाएगा इसके चारों तरफ सेल होती हैं, श्वान सेल्स। वो अरेंज रहती हैं नैनी टाइम्स इसकी चारों तरफ सर्कल करती हुई रहती हैं। ये सेल एक इसकी चारों तरफ एक्सन की तरफ के चारों तरफ ये सेल होगी श्वान सेल और श्वान सेल का न्यूक्लियस क्या होगा अपर मोस्ट लेयर पे बहुत सारे ऐसे सर्कल्स होंगे जिसमें सिर्फ क्या होगा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसकी फिर आउटर मोस्ट जो लेयर आएगी उसमें फिर जो न्यूक्लियस है सेल का वो प्रेजेंट होगा तो ऐसे एक्सन्स जिनके अंदर माइलिन शीत ही क्या बन गई पूरी शीत बन गई एक्सन की चारों तरफ माइलिन शीत प्रेजेंट है उनको कहेंगे माइलिनेटेड एक्सन्स या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और जिनकी तरफ जिनकी चारों तरफ ये लेयर एब्सेंट है उनको कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स अब टाइप्स ऑफ न्यूरोन्स किसके बेसिस पे अपन देखें साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस की बेसिस पे अपन देखें कि ये किस टाइप के हैं कितने हैं उसके बेसिस पे ये हो सकते हैं थ्री टाइप्स के ये हो सकते हैं यूनिपोलर बाइपोलर एंड मल्टीपोलर यूनिपोलर में जो सोमा है उससे सिर्फ एक ही ब्रांच निकलेगी तो ये सोमा इससे सिर्फ एक ही ब्रांच निकल रही है ये अब ये ब्रांच डिवाइड हो रही है टू ब्रांचेस में जिसमें से एक तो आगे जाके बना रही है डेंड्राइड्स और दूसरी बना रही है एगजन इसको कहेंगे यूनिपोलर न्यूरोन सिर्फ एक सोमा से एक सिंगल ब्रांच निकल रही है वही आगे जाके डेंड्राइड्स बना रही है वही आगे जाके एग्जन बना रही है तो ये यूनिपोलर बाइपॉलर में सोमा से टू ब्रांचेस निकलेंगी फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच एक आगे जाके डेंड्राइड्स बनाएगी दूसरी आगे जाके एग्जन बनाएगी। तो ये होंगे बाइपोलर फिर नेक्स्ट थर्ड टाइप मल्टीपोलर इसमें एक सोमा से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ब्रांचेस निकल रही हैं और सब उनमें तो से कुछ तो डेंड्राइट्स होंगी और एक होगी एग्ज तो थ्री टाइप्स के हो सकते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के बेसिस पर न्यूरॉन्स तो मेन टाइप अपन डिस्कस स्टडी करते हैं वो कौन सा है मल्टीपोलर ये डिटेल स्ट्रक्चर है देखो क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है सोमा वाले पार्ट में इसके अंदर न्यूक्लियस है डेंड्राइड्स है सेल बॉडी है ये पूरी सोमा या सेल बॉडी निजल ग्रैन्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर इसका जो ये वी शेप्ड पार्ट होता है जो किससे कनेक्टेड रहता है एग्जन से कनेक्टेड रहता है ये वी शेप्ड जो पार्ट है ये होता है हिलॉक न्यूरोलेमा, जो अपर मोस्ट लेयर होती है मालीन शीत की वो होती है न्यूरोमा एगजन एग्जोप्लाज एग्जन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो एग्जोलेमा जो एग्जन की आउटर मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन वो नोड ऑफ फ्रेनवेर टू माइलिन शीट्स के बीच का जो स्पेस है वो सिनेप्टिक नोब्स ये इसकी एंड पार्ट में जो नोब्स प्रेजेंट है एग्जन टर्मिनल या टर्मिनल फाइबर्स ये जो फाइबर्स प्रेजेंट है ये श्वान सेल ये जो सेल है जो माइलिन शीट बना रही है ये स्ट्रक्चर है न्यूरोन का तो अगर अपन देखें टी एस में तो ये है न्यूरोन इसके चारों तरफ है श्वान सेल और इसका अपर मोस्ट जो लेयर है वो है न्यूरो लेमा नो मालिन शीत की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे देखें टाइप्स ऑफ न्यूरो तो टू टाइप्स के हो जाएंगे मालिनेटेड एंड नॉन मालिनीटेड मालिन शीत प्रेजेंट है तब होंगे मालिनेटेड और अगर मालिन शीत एब्सेंट है तब होंगे नॉन मालिनेटेड अब अगर मालिनेटेड है तो मालिन शीत प्रेजेंट होगी किस से कौन बनाता है मालिन शीत शॉनसेल्स की हंड्रेड मोर देन हंड्रेड टाइम्स सर्कल करती है एग्जोन के चारों तरफ और लेयर्स बना लेती है उस लेयर्स में जो इनर लेयर्स होती हैं उनमें मोस्टली सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और सारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस कहाँ होता है अपर मोस्ट लेयर में होता है जिसको कह रहे हैं न्यूरो लेमा अब इनके बीच का जो गैप है ये है नोड्स ऑफ रेनवियर ये जो नोड्स हैं ये है नोट्स ऑफ रेनवियर ऐसी लेयर होती है इंसुलेटरी लेयर होती है इंसुलेट करती है करके रखती है न्यूरोन को जो सिग्नल जाएगा वो इस पर नहीं जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा यहाँ ट्रैवल करेगा इस इंसुलेटरी इंसुलेट्री मैरिंगशीट जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगा कैसे करेगा सिग्नल जो है यहाँ आया फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा इनके तो थ्रू होकर नहीं जाएगा तो इस तरह क्या जो का जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है इसको क्या कहते हैं सॉल्टिटरी कंडक्शन देखिए ये फास्टर होता है जल्दी हो जाता है एक तो कोई चीज़ इतना ट्रैवल करके जाए और कोई बस जम करके यहाँ से यहाँ चली जाए तो वो जो ट्रांसमिशन होता है कंडक्शन जो होता है नर्वे बस का वो माइलिन शीट की प्रेजेंस में फास्टर रेट पर होता है और नॉन माइलिंग में माइलिन शीट एब्सेंट होगी तो ये टाइप्स हो गए न्यूरो के ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ माइलिन शीट